नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, नरेंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम उम्मीद रखेंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और अब तो रिवीजन की क्लास लास्ट चल रहा है और सभी सब्जेक्ट जो सभी टॉपिक पढ़ाए गए, हम उम्मीद रखेंगे कि सबका सब अब लगभग 70% से अधिक तैयार हो गया होगा। जो आप भूल गए थे वो कुछ न कुछ तो याद हो ही गया होगा। आइए अभी आज हम लोग जो है मैथ में अभी पढ़ेंगे पिरामिड और शंकु। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा प्रिज्म और बेलन, आज पढ़ेंगे पिरामिड और शंकु। ठीक है, तो आइए जरा तेजी से पढ़ लेते हैं पिरामिड, शंकु और गोला। तो पहले हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे। तो पिरामिड में क्या होता है, पहले पिरामिड की आकृति हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पिरामिड की जो आकृति होता है वो आधार की आकृति कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये है, तो अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इसी तरह की आकृति हो, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अगर ऐसे होता तो ये प्रिज्म कहलाता। क्या कहलाता? प्रिज्म होता है ये तो प्रिज्म हो जाता ना। तो अब यहाँ पे क्या होता कि ये प्रिज्म है और इसी से अगर काटा गया हो इस तरह, ऐसे इस तरह काट दिया जाए, तो ये भाग जो निकलता है, ये जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। देखिए, ये जो होगा यह पिरामिड होगा, ये भाग पिरामिड कहलाता है। ठीक है, अब यह पिरामिड है, आधार आप देख रहे हैं कि आधार ये है। ठीक है, आधार एक त्रिभुज है, आधार कैसा है? त्रिभुज है। अब इसमें जो है आधार में जितनी भुजा है, एक दो तीन भुजा है, तो ये तिर्यक फलक कहलाते हैं, तीन फलक होंगे आधार में। अगर n भुजा होगा तो तिर्यक फलक जो है tn होगा, आधार में पांच भुजा होगा तो तिर्यक फलक पांच होंगे। जितने भी आधार में भुजा होंगे उतने तिर्यक फलक होते हैं, और एक फलक आधार वाला, तो कुल फलकों की संख्या n प्लस वन, तिर्यक फलकों की संख्या n। कोरों की संख्या अगर देखा जाए तो एक दो तीन कोर ऊपर और एक दो तीन कोर नीचे, तो कुल कितने कोर? छह कोर। यानी पांच अगर भुजा होता तो दस कोर, अगर आठ भुजा होता तो सोलह कोर, इसका मतलब दूना होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि पिरामिड, ठीक है, लिखिए, यदि पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या n हो तो भुजाओं की संख्या n हो तो लिखिए, पहला नंबर तिर्यक फलकों की संख्या, तिर्यक फलकों की संख्या, तिर्यक फलकों की संख्या बराबर n, कुल फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या बराबर n प्लस वन, तिर्यक कोरों की संख्या, तिर्यक कोरों की संख्या बराबर n, कुल कोरों की संख्या, कुल कोरों की संख्या बराबर n प्लस वन, n प्लस वन। क्लियर है? इतना तो सभी लोगों को पता है। अब चलिए, इसका आयतन अगर निकाला जाए तो पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन v बराबर
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बटा तीन, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसमें बना लीजिएगा ये है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h और आधार का क्षेत्रफल है a गुणे तीन, आधार का क्षेत्रफल गुणे h अपान थ्री अपान थ्री। ये है पिरामिड का आयतन, क्या है ये पिरामिड का आयतन, क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये तो पिरामिड का आयतन है ठीक है, अब इसका तिर्यक पृष्ठ, तिरछा झुका हुआ होता है तो तिर्यक पृष्ठ, तो तिर्यक पृष्ठ के लिए अलग अलग सभी फलकों का जितना भी झुका हुआ फलक होता है सबको जोड़ देंगे क्षेत्रफल निकाल कर तो वह तिर्यक फलक होता है। यदि आधार की आकृति में जो है भुजाओं की माप भिन्न भिन्न हो A1, A2, A3 ठीक है, तो तिर्यक पृष्ठ, तो लिखिए तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ बराबर A1 L1 अपान टू प्लस A2 L2 अपान टू प्लस A3 L3 बाय टू डाटा टेंस वन ANLN अपान टू, जहाँ पर A1 A2 A3 डाटा टेंस वन AN, ये जो है आधार की भुजाएं हैं अलग अलग। सपोज दैट अगर ये बहुभुजाकार होता है, इस तरह की आकृति होता है ठीक है ऐसे, तो इसमें N भुजा होता सब अलग अलग A1 A2 A3 यही है ये, और जो ये L1 L2 L3 है तो सपोज दैट जैसे मान लिया जाए कि यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है तो यहाँ से जो ऐसे मिलेगा ये यही तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, तो ये तिर्यक ऊंचाई को ही यहाँ पे लिखा गया है L1 L2 L3 LN, ये अलग अलग होगा ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई और A1। अब लिख लीजिए नीचे, यदि आधार की आकृति सम बहुभुजाकार हो तो, यदि आधार की आकृति सम बहुभुजाकार हो जाए तो उस कंडीशन में ये सभी A1 A2 A3 सब बराबर होगा तो तिर्यक पृष्ठ हो जाएगा P × L, एक ही तिर्यक ऊंचाई होगा अपान टू, आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई बटा दो। ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब आधार की आकृति क्या हो सम बहुभुजाकार हो ठीक है, जैसे वर्ग हो जाए समबाहु त्रिभुज हो जाए तो इस कंडीशन में, सम पंचभुज हो जाए सम खष्टभुज हो जाए तो इस कंडीशन में आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई बटा दो लिखेंगे तो निकल जाएगा तिर्यक पृष्ठ, नहीं तो अलग अलग सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ना होगा ठीक है, और सभी तिर्यक फलक त्रिभुज होते हैं, सभी फलक क्या होंगे त्रिभुज, वो त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है समबाहु भी हो सकता है विषमबाहु कुछ भी हो सकता है ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे ठीक है, तो ये समबाहुभुज के लिए है। अब लिखिए संपूर्ण पृष्ठ S बराबर तिर्यक पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल अर्थात P × L/2 प्लस A, ये संपूर्ण पृष्ठ है पिरामिड के लिए, किसके लिए पिरामिड हो गया। अब देखिए कि पिरामिड की तिरछी ऊंचाई L है, जैसे यहाँ केंद्र है,
और इससे ये भुजा की न्यूनतम दूरी को स्मॉल आर से ग्रहण करेंगे और ये शीर्षों की दूरी को कैपिटल आर से। अर्थात आप ऐसे समझिए कि अगर ये है आयत है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ से इसकी दूरी स्मॉल आर, तो अगर ये आर वन है, ये दूरी क्या है आर टू है, ये दूरी क्या है आर थ्री है, और ये दूरी क्या है आर फोर है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये शीर्षों की दूरी, ये कैपिटल लेटर से आर वन, ये आर टू, या इधर से चले तो आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री और ये आर फोर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो ये h होगा, और जो यहाँ से मिलेगा ये तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l, यहाँ l2, यहाँ l1, यहाँ पर l3 और यहाँ पर l4। लेकिन जब यहाँ से ये दूरी होगा, जैसे ये है ये दूरी, तो ये तिर्यक कोर होगा और ये तिरछी ऊंचाई होगा, ठीक है। तो तिर्यक कोर को कैपिटल लेटर से l1, l2, l3 और L4, ये तिर्यक कोर के लिए है। तो इसमें संबंध जो होगा, हम देखेंगे कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए, तो ये है H या ये है H और ये है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल L1, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है, यहाँ पर 90 हो रहा है और ये कर्ण हो जाएगा, L1 कर्ण हो जाएगा, ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि H बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट, नीचे लिख दे थोड़ा, चलिए H बराबर लिखेंगे अंडर रूट L1 का स्क्वायर माइनस R1, सब स्मॉल लेटर में, और यही बराबर लिखेंगे क्या L2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यही बराबर हम लिखेंगे LN का स्क्वायर माइनस RN का स्क्वायर, अगर RN भुजा होता तो। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पर देखेंगे तो ये तिर्यक कोर है कैपिटल L, तो ये कैपिटल R है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे H तो वही रहेगा, H बराबर यहाँ पर लिखा जाता है कैपिटल L1 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 का स्क्वायर, ये कैपिटल L2 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R2 का स्क्वायर डॉट डॉट टेंस वन अंडर रूट कैपिटल LN का स्क्वायर माइनस कैपिटल RN का स्क्वायर, क्लियर है। अब जब ये जो है समबहुजाकार होता, यानी जब ये समबहुजाकार हो, समबहुजाकार आधार हो, ठीक है, उस कंडीशन में H बराबर स्मॉल, H बराबर अंडर रूट स्मॉल L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जहां R जो है सॉरी स्मॉल R जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और कैपिटल आर जो है परिवृत्त की त्रिज्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ एच बराबर अंडर रूट कैपिटल एल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरा ये है, यदि आधार की आकृति आयत हो, तो आयत होगा तो उस कंडीशन में ए वन बराबर ए थ्री होगा, ए टू बराबर ए फोर होगा, एल वन बराबर एल थ्री होगा, एल टू बराबर एल फोर होगा, आर वन बराबर आर थ्री होगा जो ए टू बाई टू होगा, आर टू बराबर आर फोर होगा जो ए वन बाई टू होगा, ठीक है। इतना हम लिखेंगे, ए वन ए टू क्या है, ये भुजा है, और कैपिटल आर वन बराबर कैपिटल आर टू बराबर कैपिटल आर थ्री बराबर कैपिटल आर फोर, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और ये विकर्ण की लंबाई का आधा होगा, विकर्ण बाई टू, ठीक है। तो लिख लीजिए इतना सभी लोग, पिरामिड के लिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने सूचना दिया है कि 16 अगस्त से 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से
आप सभी लोगों को सूचना मिल चुका है कि 16 अगस्त से हम IERT पॉलिटेक्निक का रेगुलर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही पढ़ाया जाएगा। और इसमें नए छात्र वे जो कि अगले सेशन में परीक्षा देंगे अगले सेशन के लिए, तो यानी जून में जो पेपर होगा, जो अभी होने वाला है उसके लिए नहीं, जो जून में पेपर होगा उसके लिए जिन्हें भी तैयारी करना है, जिन्हें भी देना है, वे लोग जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अगर शुरू से ही ज्वाइनिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन करा दिया जाएगा और अच्छे रैंक से। हो सकता है कि अगर वो सही ढंग से हमारे संपर्क में रहें, जितना हम कहते रहें, जितना हम कहें उतना वो करते रहें अगर, तो निश्चित रूप से वह कोई ना कोई उत्तर प्रदेश में स्थान लाके ही रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी रहेगी। अगर जितना कहा जाएगा उतना करते रहे तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनसे जरूर बता दें कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह ज्वाइन तुरंत कर लें। व्हाट्सएप नंबर पे ही संपर्क करेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, उनको पूरा ज्वाइनिंग करने का प्रक्रिया बता दिया जाएगा। और साथ ही में टेस्ट समय समय पर हम टेस्ट लेते रहेंगे और रिवीजन भी कराते रहेंगे टेस्ट के दौरान। दूसरी बात यह है कि उनको रिजल्ट भी हम बताते रहेंगे कि कितना उनका सही है कितना गलत है। जितना भी पेपर टेस्ट होगा सबका सलूशन भी होता रहेगा। और समय से कोर्स समाप्त करेंगे हम, जो भी निर्धारित समय होगा उसी समय पर कोर्स समाप्त करेंगे, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। सभी का सिलेबस हम जो है आप सभी लोगों को PDF के माध्यम से भेज भी देंगे कि IIT पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। आप तो जानते हैं, जो लोग जुटेंगे उनके लिए, तो आप जरूर इस सूचना को अपने उन परिचितों को बताएं जो IIT पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि IIT पॉलिटेक्निक के जितने भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं, किस लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिप्लोमा आजकल के समय में डिप्लोमा का महत्व सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिप्लोमा है या तो ITI, क्योंकि हर जगह ये मांग रहा है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो बहुत कम समय में अगर सही ढंग से आप पढ़ते रहेंगे तो जॉब पा जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति डिप्लोमा करना चाहता है उन्हें आप जरूर एक बार हमसे या तो बात करा दें या व्हाट्सएप पर ही वो मैसेज सेंड करें अपना नाम लिखकर, नए बैच के लिए IIT पॉलिटेक्निक लिखकर, तो उन्हें जो है हम ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन पूरा क्लास, कुछ क्लास तो उनको फ्री मिलेगा लेकिन मुश्किल से 4 से 5 क्लास फ्री मिलेगा, उसके बाद पूरा क्लास उन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए तो जो भी फीस होगा उन्हें पेड करना होगा, तभी वो पूरा का पूरा क्लास के हकदार होंगे। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीज चलेगा, प्रतिदिन चलेगा, तीनों क्लास समय से समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो और आराम से चलेगा, तेज नहीं चलेंगे, जैसे हम आपका रिवीजन करा रहे हैं इस तरह उसमें नहीं, जैसा आप पढ़े हो क्लास में उसी तरह बहुत आराम से हम चलेंगे। हर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हों उन्हें आप बता दें, अगर संपर्क करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमने बताया आप सभी लोगों को कि ये पिरामिड के लिए हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आयताकार हो, क्या हो, आयताकार हो, और वर्ग होगा तो समबाहुल जाएगा, उस कंडीशन में सब बराबर होगा, A1, A2, A3, A4 बराबर होगा, R1, R2, R3, R4 बराबर होगा, सब बराबर होगा, L1, L2, L3 सब बराबर होंगे आपस में। तो चलिए अब हम लोग जो है ये तो पिरामिड के लिए हमने देखा, ठीक है। अब जरा कुछ एग्जांपल कर लिए जाए, तो लिखिए एग्जांपल, कुछ लिख लीजिए, एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, फिर आगे निकलते हैं। देखिए किसी पिरामिड
किसी पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का संभाव त्रिभुज है जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयतन तथा तिर्यक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आधार संभाव त्रिभुज है, ये संभाव त्रिभुज है आधार, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। देखिए ध्यान से समझिए, ये सभी जो है भुजा बराबर है, कितना है 10-10 सेंटीमीटर है। आप ऐसे समझिए कि ये संभाव त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर है, और ये स्मॉल आर होता है, जो यहाँ से ये है यही स्मॉल आर है, और जो ये है यही तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है, और ये तो एच है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो ये एच है, एच जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच है, और ये जो है ये एल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एल आर एच में जो संबंध होता है वो आप जानते हैं कि एल आर एच का जो संबंध होता है वो तो होता है एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है, ठीक, सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से एल हमें ज्ञात करना है, एच दिया गया है और आर नहीं पता है, तो आप जानते हैं कि आर जो होता है वो होता है रूट 3/2 इंटू ए, माध्यिका की लंबाई गुणे 1/3, तो माध्यिका की लंबाई ये है गुणे 1/3, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, रूट 3a/6, रूट 3a/ क्या 6, ये इसमें, तो ये हो जाएगा क्या रूट 3, और r का मान कितना है, a का मान 10/6, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, इसका मतलब 5√3/3, ये स्मॉल r है। स्मॉल r पता हो गया, l तो नहीं पता है, तो l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, r का मान पता हो गया कितना है, 5√3/3 का स्क्वायर, और प्लस h स्क्वायर, h कितना है 30 का स्क्वायर, इसका वर्ग कर दें तो 25√3/9, ठीक है, और प्लस 30 का स्क्वायर 900, 3 तिलिके 9, 25/3, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 8 तिलिके 24, 8.33 प्लस 900, इसका मतलब 908.33, ये एल स्क्वायर है, तो एल का मान निकालेंगे तो √908.33, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एल वर्गमूल निकल जाएगा, अब एल तो पता हो जाएगा यहाँ से, जब L पता हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि अब आयतन निकालेंगे, तो आयतन बराबर पृष्ठ और आयतन, आयतन हो जाएगा A इंटू एच अपान 3, तो यहाँ से क्षेत्रफल जो होगा A, तो A हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25√3, ये तो पता हो गया, तो यहाँ लिख दें 25√3 इंटू एच है 30/3, तो ये 10 यानी 250√3 घन सेंटीमीटर, ये तो हो गया आयतन, और वक्र पृष्ठ हो जाएगा पी इंटू एल अपान 2, तो पी हो जाएगा 3a, 3 इंटू ए, और L, तो L यहाँ से निकल चुका है √908.33 और अपान 2, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस। तो सॉल्व कर लीजिए चित्र बनाकर इसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया,
हो गया। चलिए अब ऐसे ही अगर ये कहा जाता है कि आधार एक और लिख लीजिए यदि पिरामिड का आधार आयताकार हो जिसकी लंबाई व चौड़ाई चालीस व तीस सेंटीमीटर हो व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बीस सेंटीमीटर हो तो आयतन तथा तिर्यक पृष्ठ ज्ञात कीजिए चलिए अब ये है कि ये आयत है और आयताकार आधार का ये पिरामिड ठीक है। समझिए अब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से ये और ये तिर्यक ऊंचाई अलग है ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 है तो इधर 20 होगा तो ये तो 20 हो गया। ये ऊंचाई तो आपको पता ही है कि 20 है ठीक है। और जो ये है इस तरह ठीक है तो ये 30 है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 है तो इधर 15 होगा इधर भी 15 होगा तो जो ये तिर्यक ऊंचाई होगा ये तो ये अगर L1 है और ये L2 है तो इधर से L3 होगा उधर से L4 हो जाएगा ठीक है। तो जरा हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि आयतन के लिए कहेगा तब तो आसान है जल्दी से न कर लेंगे क्योंकि A बराबर L इंटू B आधार का क्षेत्रफल जो 40 गुणे 30 है तो ये कितना जाएगा 4×3=1200 हो जाएगा। और H दिया गया है कितना 20 अतः भी बराबर A इंटू H अपन 3 तो 1200 गुणे H 20/3 3×4 400 में 20 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो ये तो भी है ना ये क्या है भी है क्लियर है। तो ये भी हो गया ये आयतन हो गया। अभी हमको निकालना है क्या तिर्यक पृष्ठ। तो तिर्यक पृष्ठ के लिए चूंकि आधार आयताकार है तो हमें तो पता है ना कि A1 = A3 तो A1 = ये A1 है तो A3 = 40 लिख देते हैं ठीक है। अच्छा A2 यहाँ पर देखा जाए कि ये A1 है ठीक है तो इधर A2 ये A2 कर दिया जाए A2 और A4 A1 और A3 कर दिया जाए 30 है ठीक है। तो R1 = R3 R1 और R3 जो हो जाएगा वो A2/2 इसका मतलब ये कि 40/2 तो 20 हो गया। और R2 और R4 बराबर जो A1/2 जो 30/2 ये हो गया कितना 15 हो गया। इसलिए L1 = L3 = अंडर रूट हम लिखेंगे क्या H² + R1² तो H² H का मान है 20² R1 का मान है कितना तो R1 भी 20² तो ये 20√2 आएगा। और L2 = L4 = अंडर रूट लिखेंगे कि यह H² + R2²
और ये h के जगह पर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अब देखिए L2 L4 हो गया, L1 L3 आ गया, इसलिए तिर्यक पृष्ठ हम लिखेंगे तो A1 L1 अपान 2 प्लस A2 L2 by 2 प्लस A3 L3 by 2 प्लस A4 L4 by 2। अब देखिए यहाँ पर A1 का मान, तो A1 का मान देखिए चित्र में कितना दिया है, A1 यहाँ पर लिखा गया है, A1 A3 A1 A3 कितना है, 30 है, तो A1 30 है, तो L1 कितना आया है, तो L1 देखिए यहाँ पर आया है कितना, 20√2, तो ये हो जाएगा 20√2 अपान 2, ठीक है। प्लस A2 कितना है, तो A2 है 40, तो ये कितना है 25, L2 कितना है 25, ठीक है, ये कितना है 25, तो ये हो गया 25, A2 है 40 और L2 हो गया 25/2 प्लस 30√2/2 फिर प्लस 40√25/2। तो इस तरह सॉल्व करके अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तिर्यक पृष्ठ निकल गया, आयतन भी निकल गया, तिर्यक पृष्ठ भी निकल गया, चित्र बना लीजिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी से। आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर तिर्यक कोण पूछा जाता है तो तिर्यक कोण का मतलब ये हो जाता है कि ये कैपिटल आर की जरूरत, तो ये तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगा ना, जैसे ये है आयत, ठीक है, तो ये विकर्ण निकल जाएगा, ये 40 है और ये 30 है, तो ये विकर्ण हो जाएगा 50, तो जब 50 हो जाएगा तो इसका आधा 25 इधर 25 इधर, तो 25 हो गया कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 25 हो गया, तो तिर्यक कोण पूछेगा, तो कोर अगर पूछेगा तब तो कैपिटल एल बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, एच का मान तो दिया है कितना 20 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर, बस आप निकाल लीजिएगा कैपिटल एल, वही तिर्यक कोर होता है, ठीक है। चलिए ये तो था पिरामिड, क्या था पिरामिड, ठीक है। अब हम देखेंगे शंकु, क्या देखा जाएगा, कोण, शंकु, ठीक है। तो चलिए शंकु देख लेते हैं हम लोग, एक बार पुनः देख लीजिएगा पीछे करके रिवीजन रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा कैसे बना है, क्या क्या चीज हमने बताया शंकु। ठीक इसी तरह जैसा कि अगर ये शंकु है, शंकु तो जो पिरामिड है, ठीक उसी तरह शंकु के लिए भी ये एच है, ये आर है और ये तिर्यक कोण एल है, ठीक है। तो सबसे पहले एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा अगर आयतन है तो वही फार्मूला a इंटू एच अपान 3 यानी पाई आर स्क्वायर एच अपान 3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा तिर्यक पृष्ठ को यहाँ कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ, तो ये p इंटू एल अपान 2, p के जगह पर 2 पाई आर इंटू एल अपान 2, 2 कट गया तो पाई आर एल, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है। और संपूर्ण पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, याद रखिएगा। शंकु के लिए संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, आयतन और ये लंबाई त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई और आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई में संबंध, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से इन्हें, शंकु का चित्र बना लीजिए, हो गया। अब देखिए इधर देखिए शंकु का अर्धशीर्ष कोण होता है, अगर ये अर्धशीर्ष कोण थीटा हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे आर बटा एल, कास थीटा बराबर लिखेंगे एच बटा एल और टैन थीटा बराबर लिखेंगे
आर अपान एच, ये याद रखिएगा तीनों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार पूछा गया है इससे। थीटा का मान दे देगा, एल आर एच में से कोई एक देगा तो उसका आयतन पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये जानते रहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बना लीजिए इसे, हो गया। चलिए अब देखिए, अगर सपोज दैट ऐसा होता कि समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज को आधार के परितः, लंब के परितः या कोण के परितः घुमाकर शंकु बनाया जाता है, ठीक है। तो आधार लंब अथवा कोण के परितः घुमाकर यदि शंकु बनाया जाए, तो शंकु के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, यह इस स्थिति में यहाँ देखा जाएगा, जब शंकु बनाया जाता हो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार व कर्ण के परितः, तो पहला कंडीशन ये है कि लंब के परितः घुमाने पर, लंब के परितः घुमाने पर, तो लंब के परितः अगर घुमा दे, जैसे ये लंब है ये आधार है, ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इसको यही रखें और इसको ऐसे पकड़कर इस तरह घुमाएंगे, तो आप इमेजिन करिए कि जो बनेगा शंकु वह ऐसा बनेगा, इसी तरह बनेगा। इसमें क्या होगा कि ये आर है, ये क्या है, आर है, ठीक है, जो ए है, और जो ये एल है यही एच होगा, यही क्या होगा, एच, तो ये हो जाएगा एच, और ये इसके जो है स्मॉल एल, इसका मतलब स्मॉल आर बराबर ए और एच बराबर कैपिटल एल और स्मॉल एल बराबर ए होगा, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ आप ज्ञात कर लेंगे। दूसरा ये है कि यदि आधार के परितः घुमाने पर, तो जब आधार के परितः हम अगर घुमाते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर यह समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है इस तरह का, और आधार ये है, लंब ये है, तो आधार के परितः घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरह हम घुमाएंगे, तो जब ये ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा इस तरह, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आर, क्या होगा, आर, और ये क्या होगा, एच, ये क्या होगा, एच। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो के है ये पुनः एल का ही कार्य करेगा, तो इसमें जो होगा आर बराबर एल और एच बराबर ए तथा स्मॉल एल बराबर के, यहाँ पर तो ये होगा। अब आर भी पता हो गया, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी पता हो गया, तिर्यक ऊंचाई भी पता हो गया। तीसरा ये है कि कोण के परितः घुमाया जाए, किसके परितः, कोण के परितः, अगर कोण के परितः घुमाने पर, तो देखिए यहाँ पर अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि ऐसे है समकोण त्रिभुज और ये कोण है और इसको पकड़ कर हम इस तरह घुमाएंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो आप देखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा ऐसे, तो ये आकृति दिखाई देगा। इसमें दो शंकु होंगे, कितने शंकु होंगे, दो होंगे, तो जिसमें ये यहाँ से ये जो है स्मॉल आर होता है, जो कि समकोण त्रिभुज में आपको याद होगा कि पी होता है, जो कि समकोण बनाने वाले शीर्ष से कोण पर डाला गया लंब होता है, तो ये पी बराबर स्मॉल आर है और पी बराबर होता है एल इंटू ए अपान के, ये फार्मूला तो आपको याद होगा। अब देखिए कि अगर हमें आयतन निकालना है, तो जो आप देख रहे हैं कि इधर जो ऊंचाई है इस इधर, तो इसकी ऊंचाई को h1, जो कि दो शंकु बन रहा है, और नीचे की ऊंचाई को h2 मान लें, तो हमें पता है कि h1 plus h2 बराबर k, ये कर्ण हो जाएगा ना, h1 plus h2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, k कर्ण हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर इसका, इस पूरे ठोस का अगर आयतन निकाला जाए, सॉलिड हो जाएगा, तो इसका आयतन अगर निकाले v, तो हम क्या करेंगे कि दोनों अर्थात इधर इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों शंकु का आयतन निकालें, तो एक बटा तीन पाई और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू एच वन प्लस एक बटा तीन पाई r स्क्वायर इंटू एच टू। अब एक बटा तीन पाई r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो h1 प्लस
एच टू, और एच वन प्लस एच टू क्या है, के है, तो एक बटा तीन पाई। अच्छा आर के जगह पर ये लिखेंगे तो लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर गुणे के। देखिए के से स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब एक बटा तीन पाई, और यहाँ पर लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान के। ये होता है बने हुए ठोस का आयतन, ठीक है। अच्छा ये ठोस का आयतन है, यदि हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाले का और नीचे वाले का जोड़ देंगे, क्यों, तो वक्र पृष्ठ अगर निकालेंगे तो सी एस वन प्लस सी एस टू लिखे, तो सी एस बराबर इसका अगर लिखेंगे तो पाई आर एल कैपिटल एल और प्लस पाई आर कैपिटल ए, क्योंकि इसकी त्रियक ऊंचाई जो होगा ये, इसकी त्रियक ऊंचाई कैपिटल ए है और इसकी त्रियक ऊंचाई कैपिटल एल है, तो अब ये पाई आर एल और पाई आर ए, तो पाई आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा एल प्लस ए। अब देखिए पाई आर का क्या होता है, एल गुणे ए अपान के क्लियर, और यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस ए, तो लिख लीजिए ये संपूर्ण त्रिभुज में भुजाओं के परिता घुमाने से बने शंकुओं के लिए, तीन शंकु है, एक दो तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है याद रखिएगा। जब ये कह देता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हो जाएगा, यानी लंब अगर 5 सेंटीमीटर है तो आधार भी 5 सेंटीमीटर और कर्ण जो हो जाता है 5√2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा इस बात को, लिख लीजिए जल्दी से। आज केवल इतना ही, और आज हमने जो भी बताया उम्मीद रखेंगे कि सब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। इसके बाद कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कल संभवतः शंकु और गोला दोनों ही बता देंगे आप सभी लोगों को, तो कल समाप्त हो जाएगा आपका मेंसुरेशन, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति बचेगा, कल संभवतः हम समाप्त कर दें, ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति बचेगा, तो निर्देशांक ज्यामिति भी हम लोग जल्दी ही समाप्त कर लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु और सरल रेखा दो ही चीज पढ़ना है, बाकी तो पढ़ना नहीं है। आप जैसा कि जान रहे हैं, हमने अभी बताया, फिर बता रहे हैं कि रिवीजन की क्लास समाप्त होने वाला है, अब अनसॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, और अनसॉल्व पेपर में ज्वाइनिंग करने के लिए जल्दी से जल्दी आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आप फायदा में रहेंगे घाटे में नहीं रहेंगे। जिस तरह की आप देख रहे हैं क्लास कंटिन्यू चल रहा है, रिवीजन का चल रहा है, जो हमने वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, समय से हुआ कि नहीं हुआ, समय के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर आप जज करिए, और आगे का काम जो है जो भी हम करने जा रहे हैं, अगर आपको फायदा हुआ है तो ज्वाइनिंग करिए, जल्दी से ज्वाइनिंग करिए, ताकि वो प्रोसेस आपका सही ढंग से चले, ठीक है। आप पैसे का मुंह मत देखिए, पैसे का मुंह देखेंगे रिजल्ट खराब होगा तो आप ही दोषी होंगे, कोई और नहीं, रिजल्ट अच्छा बनाना है। अब क्या किया जाए, अगर इसी दौरान हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन हुआ नहीं पेपर, तो समय बढ़ गया, तो समय बढ़ गया, तो अगर आप अभी से बैठ जाओगे अपने मन मुताबिक नहीं चल पाएंगे, इसकी तो गारंटी है। तो जब आप किसी से जुटेंगे तभी आप प्रेशर रहेंगे कि आज क्या हो रहा है, ये क्या होगा, समय से आप पढ़ेंगे जुटेंगे तभी, लेकिन आप घर पे रह के नहीं, अपने मन से तो कर ही नहीं सकते हैं, अपने मन से हो ही नहीं पाएगा, बहुत आप प्रयास करेंगे तो भी, लेकिन मन से हो नहीं पाता है, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।